کیازِ چھُو نہٕ تُہۍ پَرناوان بہٕ ووٚتھُس تھوٚد تہٕ دوٚپُکھ یہِ مٲری مےٚ دوٚپمَس ییٚلہِ مارِ تہٕ بہتر چھُ أسۍ گژھُن شہیٖد پَتہٕ گام کٕننہِ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ پٔتۍ کِنۍ تُلان بانہٕ بُہٕرۍ تہٕ نِوان تورٕ اَنان دانہِ گَرِکٮ۪ن ووٚن دوٚپُکھ ژور اَن دِیِو تہٕ اَسہِ پَرنایہِ ماشٹر صٲب بیٚیہِ کٔرِو اَسہِ یِیِو سۭتۍ اَسہِ کَرِ دَرٕج یُتُے وَنُن حظ سون تہٕ تِمو تُجہِ تِم کِتابہٕ بیگ بیٚیہِ تِم مَشقہٕ تہٕ لَگایَکھ برٛٲرۍ کٲنی پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ رٔچھِو شُرۍ بیٚیہِ ہیٚچھِو یہِ کار کَسٕب تِم کَتہِ وَنن ژور اَن تہٕ تُہۍ کَرو دَرٕج जी की न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं सब अंसारी। नाज़रीन, आज ज़िला गांधरबल के गांव में हम आ पहुंचे हैं, जहां पर हमें एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रिवायत हमें देखने के लिए मिली, मिट्टी से बर्तन बनाना। हम सब जानते हैं कि पहले ज़माने में, पहले जो ट्रेडिशनल दौर था, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे, उन्हीं में खाया जाता था और उन्हीं में खाना भी बनाया जाता था। आज के दौर में भी कुछ गाँव ऐसे हैं जिनके जो लोग हैं वहाँ के, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग जो है, वो भी आज भी इसी कार के साथ, इसी काम के साथ उनकी वाबस्तगी है। आज हम आपको की मुलाकात अजीज़ काक, इस गांव में उनको अजीज़ काक के नाम से जानते हैं, उनसे करवाएंगे, जो अपने बचपन से ही इस काम के साथ उनकी वाबस्तगी है और वो कहते हैं कि इस बचपन से ही वो ये काम करते हुए आ रहे हैं और आज भी वो ये काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज के हम अपने खसूसी मेहमान से। پَرناوان تہِ اَصٕل تہٕ یَتھ وقتَس منٛز تِمو پوٚر نہ تِم بَنے زیادٕ مُلٲزِم اَصٕل ٹھیٖک تہٕ اَسہِ اوس نہٕ قٕسمَت تہٕ اَسہِ ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ ووٚن ماشٹر صٲبَس اَسہِ دوٚپُس اَسہِ کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ پَرناوان بہٕ ووٚتھُس تھوٚد تہٕ دوٚپُکھ یہِ مٲری مےٚ دوٚپمَس ییٚلہِ مارِ تہٕ بہتر چھُ أسۍ گژھُن شہیٖد پَتہٕ مےٚ اوس دٮ۪ماغ اَصٕل پَرنُک پَتہٕ دوٚپُن مول أنۍزیون صُبحن بیٚیہِ أنۍزیون ژور اَنُن مےٚ اوس پِتُر بوے بیٚیہِ سۭتۍ یہِ اوس اَکہِ توشان تہٕ گَرِکٮ۪ن ووٚن دوٚپُکھ ژور اَن دِیِو
तो अस पर्नाय मास्टर सब बे करियो अस यु सर्ट अस कर दारज यतु वानो न सोंत तिमो तुज तिम किताब बेग बे ते मश्क त लगाय ब्रार कानी पेट दबो कर छु शुर बे हिसु यकार कस तिम कद वानो सोरान तो करो दारज अज तिमो न जमींदार निवान जाद अस गसा गाम पद गाम कन्ने गाम पद गाम पद के तोलान बान बुखिर तो निवान तोरा न दाई दान नगद ते बना यह सब पोंस ते बना पोंस जब शोक था वहाँ बात किन किन निमान ये थालबान खोज निमान तो इम चाय प्याल इम तो इम होय मो निमन निमन निमान चाय ही निखोत्रा तो सुन रन निखोत्री इमन प्राण आज अच्छे तिम सी निमान सुन रन निखोत्रे ले जी चाय चावन जात चु गुजराती के इस्मान निमान गुजराती तम से नायन ते गसना रबस कुन पानुन वरी सुनेरा और एक बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर, यकीनन आपको भी इनकी कहानी सुन के अच्छा लगा होगा, बड़ी दिलचस्प इनकी कहानी थी। और जो कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही वो ये कि इनका तो पूरा घर जो है वो इसी पे चलता है, इसी काम से चलता है, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के जो दौर है, शौकिया इन बर्तनों को ख़रीदते हैं, अपनी शौक के लिए इन बर्तनों को ख़रीदते हैं, और सिर्फ ना कश्मीर से बल्कि दूर दूर से भी, अदर स्टेट से भी, इनका कहना कि गुजरात से ज़्यादातर यहाँ पर लोग आते हैं और इनसे मिट्टी के बर्तन ख़रीद के लेकर जाते हैं। अगर आपको भी कहीं पर मिट्टी के बर्तन देखने वाले मिले तो अपने लिए ज़रूर खरीदेगा। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी, जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए।